पानी में गिरने से किसी की जान नहीं जाती है। जान तभी जाती है जब उसे तैरना नहीं आता। अब परिस्थिति कभी मुश्किलों की समस्या नहीं बनता। परिस्थिति मुश्किलों की समस्या तब बनती है जब उसे उस परिस्थितियों से निपटना नहीं आता। तो मैं निर्मल कुमार आज एक बार फिर वर्ग 10 क्लास BSEB अध्याय 13 विश्व शांति पाठ लेकर आया हूं। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने कहा है, जिसका अर्थ आप नहीं जानते हैं उसका आप संधि विच्छेद कर दीजिए या फिर उसको आप अलग अलग भागों में बांट दीजिए, स्वतः उसका अर्थ निकल आएगा। आज जो हम लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं विश्व शांति, इसको हम लोग दो भाग में कर देते हैं, विश्व अलग कर देते हैं और शांति जो है अलग कर देते हैं। और दोनों को अलग करने के बाद हमारा अर्थ ये निकलता है विश्व में शांति, यानी कि विश्व में शांति। तो आज हम लोग जो पढ़ने के लिए जा रहे हैं ये 13वां अध्याय है संस्कृत वर्ग 10 क्लास का, ये अध्याय है विश्व शांति, यानी कि विश्व में शांति। यह एक निबंध है और इस निबंध में विश्व में कैसे शांति स्थापित होगा इसके बारे में विशेष रूप से वर्णन किया गया है। तो आज के दौर में हम लोग देख रहे हैं, चाहे विश्व हो, चाहे समाज हो, चाहे परिवार हो, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, जहां पर एक दूसरे में अशांति फैला हुआ है, अर्थात शांति नहीं है। हमारे पाठ में जो ये चर्चा किया गया विश्व शांति, विश्व शांति का शाब्दिक अर्थ है कि विश्व में शांति, परंतु आज विश्व में शांति नहीं है, विश्व में अशांति फैला हुआ है। जैसा कि हम लोग जान चुके हैं कि विश्व में इतना अशांति फैल चुका था कि 1914 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। क्यों क्यों प्रथम विश्व युद्ध 1914 में हुआ था? क्योंकि सभी देश आज अपने अपने तरक्की के लिए एक से एक बड़े से बड़े हथियार का आविष्कार कर रहे हैं, परंतु प्रेम का आविष्कार नहीं के बराबर लोग कर रहे हैं। लोग हथियार का आविष्कार कर रहे हैं, लोग जहाज का आविष्कार कर रहे हैं, लोग गोला बारूद का आविष्कार कर रहे हैं, लेकिन प्रेम का, परोपकार का, सदाचार का ये कोई नहीं कर रहा है, जिसके कारण आज विश्व में अशांति फैला हुआ है। 1914 ईस्वी से लेकर 1918 ईस्वी तक प्रथम विश्व युद्ध चला था, महासंग्राम हुआ था, लाखों लोगों की जानें चली गई, परंतु फिर वैसा महायुद्ध न हो इसके लिए सभी देशों ने विचार करके 1920 ईस्वी में एक राष्ट्र संघ का स्थापना किया, ताकि विश्व में शांति बना रहे, परंतु इससे काम नहीं चला। फिर आने वाले कल 1945 ईस्वी में फिर द्वितीय विश्व युद्ध हो गया, और जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो वह भी करीबन 6 वर्षों तक युद्ध चला, और 1945 में जाकर यह युद्ध समाप्त हुआ। फिर महासंग्राम हो गया, फिर दोबारा द्वितीय विश्व युद्ध या प्रथम विश्व युद्ध की तरह कोई महासंग्राम न हो इसके लिए सभी देश के बुद्धिजीवी, बड़े बड़े देश के जो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री थे, सबने एक जगह बैठकर निर्णय लिया कि एक ऐसा कमिटी बनाया जाए, एक ऐसा संघ बनाया जाए जिसके तहत, जिसके द्वारा फिर कभी भी ऐसा महासंग्राम युद्ध न हो। इसी के लिए 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को
संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना किया। और संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना करने के बाद यह निर्णय लिया कि अब के बाद इस तरह का भीषण संग्राम न हो। लेकिन एक बात है, जब तक लोगों के मन में द्वेष और असहिष्णुता रहेगा तब तक कोई संघ काम नहीं करेगा, कोई कमिटी काम नहीं करेगा। जब तक व्यक्ति के मन में प्रेम, परोपकार, सौहार्द इस तरह की भावना उत्पन्न नहीं होगा, तब तक कितनों भी संघ बना ले ये शांति स्थापित होने वाला नहीं है। परंतु बहुत सारे ऐसे ऐसे ऋषि मुनि संत महात्मा हुए हैं जिन्होंने विश्व में शांति स्थापित करने के लिए अलग अलग विचारों को अपनाए हैं। जैसे तथागत बुद्ध ने विश्व में शांति स्थापित करने के लिए उसने बौद्ध धर्म का स्थापना किया और उसने किसी भी समस्याओं का समाधान तलवार के बल पर नहीं, गोली बारूद बम के बल पर नहीं, बल्कि विचार के बल पर निर्णय लेने का काम किया। जैसे उंगली माल जो हथियार से लोगों को उंगली काटते थे, बुद्ध ने विचार के बल पर उसे जो है ठीक कर दिया। तो इस प्रकार पूरे विश्व को शांति स्थापित करने के लिए पूरे विश्व में हमें विचार को अपनाना होगा। आज हम विश्व को छोड़ देते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग में छोड़ देते हैं विश्व को, और उससे करीब आते हैं, हम समाज को लेते हैं, और समाज से भी करीब आते हैं, हम परिवार को लेते हैं। आज परिवार में भी शांति नहीं है, आज समाज में भी शांति देखने के लिए नहीं मिल रहा है। सभी को देखने के लिए मिल रहा है एक दूसरे से कहीं ना कहीं बैर नजर आ रहा है। यही बैर असहिष्णुता का कारण है, यही बैर आपस में लड़ाई का कारण है। आज जब लोग सवेरे जब उठते हैं तो लोगों की अच्छाई के बारे में न सोचकर बुराई के बारे में सोचते हैं, जिसके कारण आज न तो समाज में शांति है, न परिवार में शांति है, न राज्य में शांति है, न विश्व में शांति है। हम लोग तो जान ही रहे हैं, एक से एक हमारे देश के सीमा पर भी शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए बॉर्डर पर तरह तरह के लकीर खींचे गए हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ड्रंड रेखा जो है खींचा गया है, मैक मोहन रेखा खींचा गया है, और ये सब खींचने के बाद भी आपस में देश में बैर उत्पन्न हो रहा है। इसका सिर्फ एक कारण है कि एक देश दूसरे देश का तरक्की नहीं देखना चाहता है। ठीक यही स्थिति हम छोटा स्तर पर आते हैं, गांव स्तर पर आते हैं, गांव में भी समाज में भी यही स्थिति है। कोई भी व्यक्ति एक दूसरे के तरक्की को देखना नहीं चाहते हैं। शायद जिस दिन किसी के तरक्की को देखकर दाद देना अगर शुरू कर दे, तरक्की को देखकर उसे हौसला देना शुरू कर दे, प्रेम पूर्वक बात करना शुरू कर दे, परोपकारी से काम करना शुरू कर दे, स्वतः शांति स्थापित हो जाएगा। हमारे इस पाठ में जो विश्व शांति जो ये निबंध है, इसमें आज यही बताया गया है। आज कनकन में लालच है, कनकन में ईर्ष्या है, कनकन में द्वेष है, आज कनकन में ये सारा चीज बसा हुआ है, कनकन में बुराई है। तो ये सब लड़ाई का कारण है, ये सब आपस में बैर का कारण है। तो आखिर ये समाप्त कैसे होगा, ये खत्म कैसे होगा? जैसा कि आज जो है हमारे भारत में ही अलग अलग राज्य हैं, सभी किसी ना किसी नदी के किनारे जो है बसे हुए सब अलग अलग नदी के किनारे, और ये जो नदी है, राज जो है उस नदी को भी लेकर विवाद करते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं
कावेरी जल विवाद के बारे में, यह कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच यह कावेरी जल विवाद चल रहा है, जो कि भारत के ही ये दोनों राज्य हैं। अब थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं अगरा जल विवाद हरियाणा और पंजाब के बीच। हरियाणा और पंजाब के बीच रावी नदी और एक और है ब्यास नदी। रावी नदी और ब्यास नदी को लेकर हरियाणा और पंजाब के बीच जल विवाद चल रहा है। जैसे हमारे समाज में एक एक उंगली के लिए, एक एक इंच के लिए जमीनी विवाद चलता है, यही सबसे बड़ा कारण है। एक दूसरे के तरक्की को, उन्नति को देखना नहीं चाहता है, जिसके कारण आज ये समस्या बना हुआ है। कहीं जल विवाद देखने के लिए मिलता है तो फिर कहीं सीमा विवाद देखने के लिए मिलता है, कहीं जमीनी विवाद देखने के लिए मिलता है, जिसका चर्चा जो है हम लोग करें, कभी किसी को तरक्की विवाद जो है देखने के लिए मिलता है। यही कारण है कि आज जो है कोई भी एक दूसरे को देखना नहीं चाहता है। जैसे कि आज हम लोग देखते हैं कि भारत चीन के बीच, चीन अमेरिका के बीच, अमेरिका उत्तर कोरिया के बीच, तरह अलग अलग तरह तरह के लड़ाइयां जो है उत्पन्न है। कोई एक दूसरे के तरक्की को नहीं देखना चाहता है। हम लोग जान चुके हैं, पढ़े हैं इतिहास में, जब द्वितीय विश्व युद्ध 1945 में जब खत्म हुआ था, उसके बाद रूस यानी सोवियत संघ रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच शीत युद्ध शुरू हो गया था। अब प्रश्न है कि यह शीत युद्ध क्या है? शीत युद्ध जो है यह एक ऐसा युद्ध है, इस युद्ध में गोला, बम, बारूद जैसे हथियारों से युद्ध नहीं होता है, बल्कि यह युद्ध विचारों से होता है, बल्कि यह युद्ध पेपर यानी कि पत्रिका से, व्हाट्सएप से, फेसबुक से, भाषण के जरिए इस तरह का युद्ध होता है। इस युद्ध में हथियार की आवश्यकता नहीं पड़ता है। ऐसे युद्ध को हम लोग शीत युद्ध कहते हैं। तो आज भी यह युद्ध चल रहा है, यह युद्ध आज भी चल रहा है। जितने भी देश हैं, सभी देश कहीं ना कहीं एक दूसरे से दिखावा बेशक न हो, बल्कि छिपकर भी जो है युद्ध जरूर कर रहे हैं, छिपकर भी विचार के माध्यम से जरूर कर रहे हैं। क्योंकि आज के दौर में चाहे देश हो, चाहे राज हो, चाहे समाज हो, चाहे परिवार हो, या किसी भी तरह का संगठन, संघ, कोई भी व्यक्ति हो, आज के दौर में प्रेम से कहीं ज्यादा छल पर विश्वास रखते हैं। आज का युग जो है, बेशक लोग जो कहते हैं कि आज जो है कलयुग आ गया है, वास्तविकता में यह कलयुग नहीं है, यह कलयुग नहीं है, यह जो है यह छल प्रपंच का युग है, यह छल प्रपंच युग है। ये छल प्रपंच के अलावे हम कह सकते हैं कि यह मतलबी युग है। लोग अब अपने मतलब से काम रखते हैं, लोग छल प्रपंच में विश्वास रखते हैं, जिसके कारण एक दूसरे के बीच शांति स्थापित नहीं हो पा रहा है। बैर से बैर कभी शांत नहीं होता है, बैर तभी शांत होगा जब उसमें निर्वैर अपनाया जाएगा। एक एक बात के लिए लोग तुरंत जो है लड़ जाते हैं, झगड़ जाते हैं, बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं रखते हैं। बेशक आज जो है पढ़े लिखे लोग बेशक जितना भी डिग्रियां प्राप्त कर ले, चाहे कोई भी देश, चाहे बड़े बड़े हथियार का आविष्कार क्यों ना कर ले, अगर उसमें प्रेम नहीं है, अगर उसमें परोपकार की भावना नहीं है, अगर उसमें सदाचार नहीं है, तो फिर वो डिग्रियां, वो आविष्कार किसी काम का नहीं है। वर्ग 10 क्लास में ही अध्याय 4 नाखून क्यों बढ़ते हैं शीर्षक ललित निबंध में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने बताए हैं कि यह जो है हथियार जो है मनुष्य को मनुष्यता की ओर नहीं, बल्कि पशुता की ओर ले जा रहा है।
हमें हथियार का आविष्कार करने से बेहतर है हमें सदाचार का आविष्कार करें। सदाचार के बारे में सोचे, मानव मानव में कैसे प्रेम हो इस चीज के बारे में सोचे। इस पाठ में विशेष रूप से इसी पर चर्चा किया गया है, क्योंकि आज समस्त विश्व एक दूसरे को नीचा गिराने में, नीचा दिखाने में लगे हुए हैं। जैसे आज हमारे समाज में लोग एक दूसरे को नीचा गिराने में लगे हुए हैं, इसी विश्व शांति पाठ में बताया गया है कि क्रिया जो है, ज्ञान जो है, अगर किसी में अगर है, अगर उसमें दूसरों के प्रति अगर प्रेम नहीं है तो वो भार के समान है। तो आज हम लोग ये भी देखते हैं कि हमारे देश में, हमारे देश में जितने भी धर्म है, धर्म जो है वो व्यक्ति को एक दूसरे को जोड़ना सिखाता है। धर्म जो है एक दूसरे के बीच प्रेम स्थापित होना सिखाता है। परंतु आज अलग अलग धर्म के मानने वाले लोग भी एक दूसरे से विवाद में उलझे रहते हैं। चाहे इस्लाम धर्म हो, चाहे हिंदू धर्म हो, या अन्य कोई भी धर्म हो, लोग इस धर्म को लेकर भी लोग एक दूसरे से विवाद करते रहते हैं। जबकि विवाद करना धर्म नहीं है, विवाद करना अधर्म है। लोग हम देखते हैं कभी कभी पार्टी में भी, मित्रता में भी एक दूसरे का विरोध अपमान करते रहते हैं, और उसमें भी धर्म को लेकर करते रहते हैं, जिसके कारण ये अशांति फैलता है। हम जब भी बात करें तो हम इंसानियत की बात करें। इंसान ही अर्थात इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है, वरना लोग एक दूसरे से छुआछूत, भेदभाव, धार्मिक असहिष्णुता जैसे लोग बातों को लेकर लोग हमेशा वाद विवाद करते रहते हैं। धर्म का मूल अर्थ ही शांति है, इसलिए हम शांति व्यवस्था बनाए, क्योंकि हमारा ये देश जो है वासुदेव कुटुंबकम है। वासुदेव जो कुटुंबकम हमारा देश जो है, इस चीज को हम लोग जो है पूरी तरह पालन करें। इस चीज पर हमें पूरी तरह चलना चाहिए, दिखावा नहीं होना चाहिए, बल्कि जो रियली जो सही है हमें उस पर उतरना चाहिए। गांधी जी ने, सुभाष चंद्र बोस जी ने, बाबा साहेब, ज्योतिबा फुले या सावित्री बाई, ये जितने भी चिंतनशील महामानव हुए, इन्होंने जो विचार हम लोगों के बीच रखा, या फिर वो विचार जो किताबों में जो लिखे वो किताबों में ही रह गया, वो विचार जहां का था वहीं पर पड़ा रह गया। हमने उस विचार को पढ़ा परंतु कभी जीवन में उतारने का प्रयास भी नहीं किया, केवल किताब पर ही हमने छोड़ दिया। कभी कभी बातों में सिर्फ कह देते हैं कि इस महापुरुष ने ये बात कहा, परंतु उस चीज को हम अपने जीवन में नहीं उतारते। यही कारण है कि आज विश्व में अशांति जो है बना हुआ है। यह अशांति का मूल कारण जो है ये द्वेष और अहिंसा है, ये दो कारण मूल रूप से है। बड़ा अफसोस होता है आज ये सब देखने के लिए मिल रहा है, परिवार युद्ध, गृह युद्ध, शीत युद्ध, विश्व युद्ध, ये तरह तरह के युद्ध जो है देखने के लिए मिल रहा है। कहा गया है कि व्यवहार जो है, व्यवहार अगर जिस व्यक्ति में नहीं है, अगर वह व्यक्ति कितनों भी ज्ञानी हो, महाज्ञानी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सबसे बड़ी चीज व्यवहार है। व्यवहार के बिना जो है ज्ञान भार के समान है। तो व्यक्ति को विश्व में शांति स्थापित करने के लिए लोगों को एक दूसरे से प्रेम स्थापित करना चाहिए, एक दूसरे से
सदाचार, प्रेम, सौहार्द अपनाना चाहिए, तभी विश्व में शांति स्थापित हो सकता है। तो आज हम लोग जो ये विश्व शांति पाठ पढ़े हैं, इस यह प्रथम भाग है, इसी अध्याय का हम लोग प्रश्न और उत्तर भी पढ़ेंगे, जो दूसरा भाग में होगा। उसके बाद फिर ऑब्जेक्टिव भी लेकर आएंगे। अभी हम लोग जितना भी पढ़े हैं वे सभी ऑब्जेक्टिव में भी जो है बनकर आएगा, जैसे प्रश्न बनेगा कि विश्व शांति पाठ किस विधा से ली गई है, तो निबंध है, हम लोग चर्चा किए हैं, जैसे कि धर्म का मूल मंत्र क्या है, तो शांति है, इस तरह का आएगा। तो हम लोग अगला वीडियो में ऑब्जेक्टिव भी लेकर आएंगे, और फिर अगला वीडियो में जो है हम लोग प्रश्न उत्तर भी लेकर आएंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करें, आप जो भी अध्याय पढ़ना चाहते हैं आप कमेंट बॉक्स में जरूर आप दे, ताकि मैं वो वीडियो बनाऊं, और अच्छा लगे तो जरूर आप सब्सक्राइब करें।